हाँ जा रहे ना, हम क्या मना कर रहे डाल दो वीडियो, डाल दो पुलिस के बुलाओ फटाफट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बागली विधानसभा के चापड़ा में देसी शराब से पेटियों से भरी एक पिकअप वाहन पकड़ी गई है, तो क्या है पूरा मामला? ये सुबह से भारतीय जनता पार्टी के लोग दारू गाड़ी के भर भर के निकाल रहे थे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जो यहाँ के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता चापड़ा के, उन्होंने सूचना दी कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मैं बग्गा जी और मंडल अध्यक्ष टिकेत, वो दोनों यहाँ से गाड़ी भर के ले आए थे। हम लोगों ने पीछा करा, जब जबकि गाड़ी पकड़ी, पूरे लोगों को दारू पिलाकर गरीबों को शोषण कर रहे हैं। ऑलरेडी देश में गरीबी और महंगाई से परेशान है, वो दारू गाँव में बांट कर वोट लेना चाहते हैं, पर जनता ने इनको नकार दिया है, इसलिए दारू की पेटी गाँव में बांटने का प्लानिंग बना रहे थे। वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ सभी, वो मुझे सूचना दी और मैं भी तुरंत यहाँ आया और हमने ये गाड़ी को पकड़ा। वो पुलिस प्रशासन खड़ी है, हमने SP कलेक्टर सबको फ़ोन लगा दिया है, वो गाड़ी का पंचनामा बनकर थाने में चाहिए। पूरी गाड़ी आज पूरे क्षेत्र में यहाँ से दारू आसपास की गाड़ी कन्नौज वगैरह आसपास गाड़ी भरने का काम चल रहा है, क्योंकि बीजेपी को वोट दे नहीं रहे। महंगाई के खिलाफ ही जनता पूरी, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, अरे गरीबों को बांटना तो तेल बांटे, मीठा तेल का खाद की थैली बोरी बांटे, शक्कर की बोरी बांटे, वो बांटे, हम खुश होंगे, उनके साथ रहेंगे। गरीबों को कुछ देना है तो कुछ दो ना। आप दारू क्या बांट रहे हो? आप उन बच्चों को अनाथ कर रहे हो, दारू से पहले ऑलरेडी मर रहे हैं लोग। जो आपके द्वारा जो शराब की गाड़ी पकड़ी गई, तो इसे प्रशासन द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की जा रही है? मिला हुआ है सब, प्रशासन बोल रहा है बग्गा ने, हमारी सरकार है, कैसे दारू केस बनेगा? दादाजी कर रहा है, मतलब मंडल देखे तो दादाजी छोड़ा ना गया, मंडल का अध्यक्ष दादाजी कर रहा है हमारे कार्यकर्ता से। प्रशासन से संतुष्ट? प्रशासन से हम संतुष्ट नहीं है, प्रशासन खुद आए पंचनामा बने, वो गाड़ी अगर जब्त नहीं हुई तो हम इसके खिलाफ और आंदोलन करेंगे कल। जो अवैध रूप से शराब जब्त की, क्या पूरा मामला है? ये जिले से फ़ोन आया था कि कुछ ग्रामीणों ने यहाँ चापड़ा में कोई गाड़ी पकड़ी है, और उसकी सूचना पर पुलिस और हम लोग यहाँ पर आए, उसका पंचनामा बनाया और पुलिस पंचनामा बना के हमने आबकारी विभाग को दिया है। कितनी शराब है ये पूरी, और कितनी कीमत है इसकी? 450 लीटर है लगभग। 450 लीटर जी। और क्या कीमत है इसकी? 2 लाख के लगभग। वाहन भी जब्त किया इसमें? हाँ, वाहन भी जब्त किया। हाँ, इसमें जो ये मूल रूप से जो कांग्रेस का कहना है कि चूंकि ये जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो है इस तरह की शराब का वितरण किया जा रहा था, इस तरह की कोई बात सामने आई है? मौके पे तो अभी ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं है, क्योंकि वो छोड़ के भाग गया गाड़ी को, और उसकी जांच जारी है, आबकारी विभाग उसकी जाँच करेगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा। भाई बताएं, बीजेपी नेता बग्गा जी का दारू बांटते एक वीडियो वायरल हुआ है, कांग्रेस का आरोप है कि जो विधानसभा है जहाँ चुनाव है वहाँ पे शराब बांट रहे हैं। 8 विधानसभा से खबरें आ रही हैं कि धन बल और शासन बल का जो उपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो आज सबके सामने आ गया। जब चापड़ा में हमारे जिला अध्यक्ष अशोक पटेल जी और रामेश्वर गुजर जी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा है, और वो ड्राइवर खुद कह रहा है कि जिला महामंत्री का ट्रक है, उनके ठेके से शराब लाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित दिखाई दे रही है, इस वजह से वो लोग धनबल का उपयोग कर रहे हैं। कल आखिरी जब सभा थी हमारी पिपरी में, तब वहाँ शिकायत की गई थी कि विधायक पहाड़ सिंह जी द्वारा भी अपशब्दों का उपयोग किया जा रहा है,
आदिवासी समाज के नेताओं को कुत्ता तक कहा जा रहा है, ये कैसी व्यवस्था है प्रजातांत्रिक? भारतीय जनता पार्टी को शायद विश्वास नहीं है कि उनकी पार्टी चुनाव जीत रही है या उनका कैंडिडेट इतना मजबूत नहीं है जितना कि कांग्रेस का है। इस तरीके का धन उपयोग करके, शराब का उपयोग करके कैसी भी तरीके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मैंने जिलाधीश महोदय से चर्चा की है, उन्होंने आश्वास किया है कि निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे और जो बाहरी तत्व हैं 24 घंटे में उनको जो पिछले बीत चुके लगभग आप उनको बागली क्षेत्र छोड़ देना था। खुद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता साहब विराजमान है, मैंने जिलाधीश से चर्चा की है, उन्होंने कहा कि हम अभी तत्काल कार्रवाई उस पर करेंगे। निश्चित रूप से गलत तत्वों के हाथ में आज भारतीय जनता पार्टी है। मैंने कहा भाजपा का सिद्धांत बदल गया, इस तरीके के जो बातें भारतीय जनता पार्टी पहले किया करती थी, न्याय की बात करती थी, लोकतंत्र को बचाने की बात करती थी, अब ये पार्टी किसी भी हालत में बस चुनाव जीतना चाहती है। धन बल का हो, शराब हो, सट्टा हो, पैसा, सब तरीके का आप उठा के देख लें, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको उसमें लिप्त नजर आते हैं। इस तरीके के जितने भी असामाजिक तत्व हैं वो भाजपा से जुड़े हुए नजर आते हैं। उमा भारती एक तरफ जैसे दारू बंद की मांग कर रही है, दारू का विरोध कर रही है, और उनके ही नेता शराब बांट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं अब उमा भारती जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मध्यप्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए, परंतु उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता मान कहाँ रहे हैं इस बात को। अधिकांश ठेकेदार आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में काम करते हैं, उन्हीं के नेता, देवास जिले को बात कर लें तो सबसे ज़्यादा नेता जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उन्हीं के ठेके। शराब की बंदी की बात करना अलग बात है, और वहीं भी भाजपा के नेता दो मुंह ही बातें करते हैं, कथनी और करनी में उनका अंतर तो हमेशा नजर आता है। आदिवासियों की बात करते हैं करने की, और नेमावर में एक नेता नहीं गया जब 5 हत्याएं हो गई। हमने कल स्पीच में कहा है वहां पर कि जब शिवराज सिंह जी तब कहां थे, मध्य शासन तब कहां था, न गृह मंत्री जी आए न मुख्यमंत्री जी आए।